हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना आज आप लोग के लिए लाई हूँ डूवी फिनिश मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। ये हमने लिया है वेट टिश्यू से हम अपने फेस को अच्छी तरीके से पहले क्लीन करेंगे। ये हमने लिया है रोज वाटर VLCC का। हमने लिया है वेनुसिया डॉक्टर रेड्डी का मॉइस्चराइजर। ये हमने लिया है सनस्क्रीन से अपने गर्दन और फेस दोनों पे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये हमने कलर बार का प्राइमर लिया है। इसकी हेल्प से हमें फेस पे एक ब्लर सा इमेज बन जाता है, जो भी हमारे ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं वो ब्लर से आ जाते हैं और हमें क्लीन कैनवास मिलता है। अभी हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। आप कंसीलर कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे हमें डैप डैप करके यूज़ करना है। हमारे फेस पे जहाँ जहाँ पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ हम इसे अप्लाई करेंगे डार्क एरिया पे। अब हमने ये फाउंडेशन लिया है फॉरएवर 52 का, शेड है F11। इसे हमने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। याद रखना है हमें डैब डैब करके ही लगाना है। हम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट अपॉन टू यू। हमें ये भी याद रखना है कि हमें फेस के साथ साथ गले पे भी अप्लाई करना है। ये हमने प्रेप एंड प्राइम का मेकअप फिक्सर लिया है मैक का। अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे और ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे पूरे फेस पर। इससे फाउंडेशन अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है और एक डूबी फिनिश भी आता है फेस पे। एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, आपको डैब डैब करते हुए ही लगाना है, इसे रब नहीं करना है आपको। हाईलाइट करेंगे हमारे डार्क अंडर आई एरिया को नोज की साइड्स पे। अपर लिप्स एरिया पे, फोरहेड पे। ये हमने लाइट शेड का हाईलाइटर लिया है। आपको भी लाइट शेड का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए। मैंने लिया है मैबलिन का एज रिवाइन कंसीलर। मैंने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। ये हमने लिया है पैक का ट्रांसलूशन पाउडर। इसे हम अंडर आई एरिया को लॉक करेंगे अच्छे से। टीएल पाउडर से लॉक करने से फेस बिल्कुल स्मूथ सा दिखता है, किकी नहीं दिखता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है।
ये मैंने पैक का ब्रॉन्जर लिया है। फिर हम कॉन्टोर करेंगे अपने जॉलाइन को और चीक बोन को। जब चीक बोन पे हम करेंगे ब्रॉन्जिंग तो हम उसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, जॉलाइन पे जब करेंगे हम उसे नीचे की तरफ से करेंगे। नोज कॉन्टोर करने के लिए एक पतला सा ब्रश लिया है, उसे अपने नोज कॉन्टोर करेंगे। इससे नोज हमारा बहुत ही पतला सा और अच्छा सा दिखता है। ये हमने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रश पैलेट लिया है। ब्लश के लिए पिंक शेड लिया है, इसे हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी अप्लाई करना है डैब डैब करके। ये हाइलाइटर लिया है, कोई सा भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं कि आप यही ब्रांड का यूज़ करें। और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है अच्छी तरीके से। नोज की टिप पे लगाएंगे, टी जोन एरिया पे लगाएंगे। क्यूपिड बो पे भी लगाएंगे और चिन एरिया पे भी लगाएंगे थोड़ा सा। मैंने फॉरएवर 52 का जेल आईलाइनर लिया है, इसे हम अपने ब्रा बोन को हाईलाइट करेंगे और शेप अप करेंगे। स्पूली की हेल्प से हम पहले सारे आईब्रोज को नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स कर देंगे, उसके बाद हम एक एंगुलर ब्रश से शेप अप करेंगे इसे। हमने आई मैजिक का पैलेट लिया है, हमने शिमर शेड लिया है लाइट पिंकी स्टोन पे। जो मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ उससे बहुत ही सिंपल तरीके से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। मैंने जस्ट फिंगर्स की हेल्प से उसे डैब डैब करके अप्लाई कर लिया है। हमने एक डार्क शेड पिंक लिया है, उसे हम अपने आउटर वी एरिया पे उसे अप्लाई करेंगे, जब डेप्थ क्रिएट करेंगे, क्रीज लाइन भी इसी से हम क्रिएट करेंगे। ये इजी टेक्निक है, इसलिए मैंने आज ये चीज़ आपको शेयर की है कि आप अगर जल्दबाजी में हो तो आप कैसे अपना आई मेकअप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा दिखता है ये। अगेन मैंने एक डार्क पिंक शेड लिया है, उसे अगेन हम अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे।
हमने एक शिमर शेड लिया है जो लाइटर कलर का है, उससे हम अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रहे हैं। ये मैंने लिया है इन कलर का जेल आईलाइनर, मैंने अप्लाई कर लिया है। मैं अपने ये विंग क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे नॉर्मल भी रहने दे सकते हैं, और अगर आप चाहे कि आपको विंग लाइनर चाहिए तो आप विंग लाइनर भी बना सकते हैं। हमने फिर से सेम पिंक शेड लिया है ड्रॉप आईलाइनर पे वर्क करने के लिए। जो हमने ऊपर यूज़ किया था पिंक शेड, सेम वही लेंगे और नीचे की तरफ पतली सी लाइन में हम ड्रॉप आईलाइनर क्रिएट करेंगे। सी, हमने जो हाइलाइटर लिया था ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए सेम शेड ले रहे हैं, और अपने इनर कॉर्नर के बाहर उसे हम अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। बहुत ही प्यारा फिनिश आता है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। यह है, याद रखिए, हमें मस्कारा अप्लाई करने से पहले लैशेस को कर्ल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम अपना मस्कारा अप्लाई करेंगे। मैंने लिया है मैबलिन का मस्कारा हाइपर कर्ल, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। मैं यही अप्लाई करती हूँ। पहले हम ऊपर के लैशेस में मस्कारा अप्लाई करेंगे, देन हम नीचे के लैशेस पर अप्लाई करेंगे। बहुत आराम से करना है आपको, तो थोड़ा सा भी ऊपर लग जाएगा तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। आपका लिप लाइनर लिया है, इसे अपने लिप लाइनर पर ड्रॉ करेंगे। इससे हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा। हमने स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट लिया है, इसे हमने एक पिंक शेड लिया है, लाइटर पिंक शेड, उसे हम अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। मैंने ये वाइट काजल लिया है फॉरएवर 52 का, उससे मैंने अपने वाटर लाइन पर ड्रॉ किया है। इससे हमारी जिनकी छोटी आईज होती हैं उसे बहुत इन्हेंस करता है और आईज को बड़ा दिखाता है। मैक का प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर लिया है, उसे हम पूरे फेस पे डाल देंगे। और ये रहा मेरा लुक रेडी है, और आप देख के मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने आज कुछ नया ट्राई किया था सिंपल इजी आई मेकअप के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching.